हम पहले एक प्रोजेक्ट कोई भी ओपन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट में हम लोग का स्कैन जो रजिस्टर्ड किया हुआ है उस स्कैन को खोल करके सेलेक्ट ऑल करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर उसको स्क्रीन पर ले आते हैं। ये कलर चेंज कर लेते हैं, हम जूम करके बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्रिएट पॉलीलाइन का ऑप्शन है, इसको हम लोग ले लेते हैं। अगर लाइन का कुछ नाम देना है तो नाम दे सकते हैं। जहाँ तक हमारा कोयला हमको दिख रहा है उसको हम घेर लेते हैं। घेरने के लिए अगर कोई तकलीफ हो तो उसको घुमा करके भी देख सकते हैं। जूम इन जूम आउट कर या उसको खसका करके हम लोग जितना दूर तक कोयला है जो पिक्चर में हम लोग को दिख रहा है उसको हम लोग फेरी फेरी घेर लेना है। ये फेरी फेरी घेरने टाइम में अपना अपना स्किल है, जिस तरह का आपको लगे ठीक आप आउटर बाउंड्री घेर लीजिए। एंड में एक पॉइंट छोड़ते हुए क्रिएट पॉलीलाइन पॉलीलाइन बन गया। अब इसको काट देते हैं हम लोग, इसका भी जरूरत नहीं। यहाँ पॉलीलाइन हमारा आ गया स्क्रीन स्क्रीन पर। अब इस पर राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट डाटा को कहाँ रखना है वो जगह सेलेक्ट करके उसको DXF फाइल में सेव कर लेते हैं। फाइल नेम अगर कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो ऑटोमेटिक जो वहाँ पे आप बनाएंगे वो आपको यहाँ जो आप बनाएंगे वो आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये सेव इसको ये फॉर्मेट PRCS में भी आ सकता है, GLCS में। GLCS हम लोग का माइंड का कोऑर्डिनेट होता है, आपको ओके करें। इसका भी काम खत्म। ये फाइल पर जा कर के हम लोग देखेंगे वहाँ पे हमारा आ गया नोट पैड ये जो हमने लिया पॉलीलाइन जो बनाया वो आ गया। अब आप चाहे तो इसको ऑटो कैड में भी खोल सकते हैं या एक्सेल में भी बना सकते हैं। तो अभी हम कौन सा आपको मतलब दिखा एक्सेल में डालिए एक्सेल
एक्सेल में अपना दिमाग है उसको घसका घसका करके हम कर दिए हैं। अब आप चाहिए उसको तो हम दिखा सकते हैं, तो एक्सेल वाला आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए ये जो फॉर्मेट है इसको हम लोग सीएसबी में चेंज कर लेते हैं। सीएसबी में चेंज करने के लिए एक नया फाइल खोलेंगे एक्सेल का, ओपन करेंगे उसको, लाइन बनाने वो पॉली लाइन का जो डाटा बनाए कैसे बनाए वो रिकॉर्ड कर फाइल एक दो तीन में था, ये ऑल फाइल करेंगे वो आ जाएगा ओपन। नेक्स्ट जैसे सीएसबी सब बनाते हैं हम वैसे ये आ गया। इस फाइल को सेव कर ले उसी जगह कर सकते हैं। फाइल का नाम अगर कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ऐसे दे दीजिए जो भी आप लिखना चाहें, यानी टेक्स्ट है इसको सीएसबी कर देना। ओके अब इसका भी ज़रूरत नहीं है। ठीक उस फाइल को ओपन करेंगे, ये आ गया सीएसबी डाटा हमारा। इसमें हम अपना बुद्धि लगा के जैसे करना है ये वो ये है कि लाइन का हमारा डाटा कहाँ है, स्ट्रिंग नॉर्थिंग आर है यहाँ, ठीक है स्ट्रिंग नॉर्थिंग आर है, स्ट्रिंग नॉर्थिंग आर है, स्ट्रिंग नॉर्थिंग आर है, ठीक है इधर कुछ नहीं है, इसको इधर का डिलीट कर लेते हैं। ठीक है ये लाइन को सेलेक्ट करके इसमें फिल्टर लगा दें, फिल्टर ऑन करेंगे तो हमको क्या चाहिए स्ट्रिंग नॉर्थिंग आर है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो सेलेक्ट ऑल करेंगे और इसमें से जो नहीं चाहिए उसको हटा दिए, ऊपर इतना ही आर है तो चाहिए ही। नीचे में हमारा है ये हटा दिए, हटा दिए। अब उसमें सिर्फ हमारा जो हमको बाउंड्री का चाहिए वही है, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। चाहिए नहीं तो इसको क्या करते हैं हम लोग फिर से कॉपी करके एक नया पन्ना खोल के यहाँ पे पेस्ट
स्पेशल करके करें, पेस्ट डायरेक्ट नहीं लेगा क्योंकि उसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, पेस्ट स्पेशल वैल्यू ओके। ये यहाँ अब इसमें एक लाइन इंसर्ट कर देते हैं और ऐसे सेलेक्ट करके फिर से इसमें फिल्टर लगा दिए। एक कॉलम हमको इसमें सबसे इसमें क्या चाहिए हमको, स्टिंग। ये नंबर जो कॉलम है हमको चाहिए स्टिंग, ये नॉर्थिंग और आरएल इसमें नहीं चाहिए, इसके साथ नॉर्थिंग और आरएल खुद आ जाएगा। ये यहाँ क्लिक करते हैं हम लोग, ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये सारा स्टिंग एक साथ आ गया। अब उसको फिर से कॉपी करके जहाँ तक था वहाँ तक हमारा आ गया। सो कंट्रोल सी, एक नया पन्ना खोलते हैं, इसमें कंट्रोल वी कर दें, हमारा पॉलीलाइन तैयार। अब इसको देखने के लिए, अब ये सब जो डाटा है इसका हमको अब ज़रूरत नहीं है, इसको आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। डाटा को हमको यहाँ चेक करने के लिए ये ओपन जो लीगल है उसको फिर से ऑन करते हैं। इसमें पॉली डाटा में जा करके एक बार क्लिक करके राइट क्लिक करके डाटा इंपोर्ट करते हैं। डाटा कहाँ है हमारा, वो एक दो तीन में उसको सर्च करके फिर से ले करके आते हैं। ये है ओपन करना, जैसा कि हम लोग सब करते हैं, एक्स वाई जेड है, अगर है तो ठीक है और नहीं है तो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। एक इसकी दिखा रहा है, इसको ऑफ कर देते हैं। ओके, डाटा हमारा यहाँ आ गया। अब ये डाटा को हम उठा करके फिर से यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। बाउंड्री रेडी। अब इसके बाद और है, ये इसमें आप देखेंगे हम लोग कि काफ़ी सटा सटा हुआ पॉइंट दिया हुआ, ठीक है। अब आप इसमें चाहे तो ये पॉइंट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और ये कोना है, ये कोना है, बीच का आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। आपको जितना नज़दीक नज़दीक में पॉइंट चाहिए उतना रखिए, अब बाकी को डिलीट करके फिर से यहाँ से डाटा एक्सपोर्ट करके उसी फाइल में सेव कर, फिर से एक ही काम हुआ था। नहीं, खाली एक्सपोर्ट करने से इस बार साफ सुथरा है, तो इस बार काटना पड़ेगा, इस बार सिर्फ जो डाटा डिलीट करेंगे वो इसमें से कम हो जाएगा। फिर एक्सेल फाइल में, एक्सेल फाइल में ही आएगा, वहाँ पे भी कम हो जाएगा। हाँ, एक्सेल फाइल में कम हो जाएगा। हाँ, एक्सेल नहीं, टेक्स्ट फाइल आएगा, टेक्स्ट को फिर से एक्सेल में चेंज करना है। जैसे आप ये सपोज करते हैं, आपको यहाँ दिखाते हैं, अभी टोटल हमारा ये एक दो तीन जो है इसमें टोटल हमारा पॉइंट कितना है, देखिए वन से स्टार्ट है, वन नंबर यहाँ से स्टार्ट है, और इसमें पॉइंट है हमारे पास 1297। एक वेरी फेरी लेने के लिए 1297 पॉइंट तो कोई नहीं लेता। अब ये इसको कम करना है, इसके लिए ये ओपन किए, ये खुला हमारा, इसमें जिस तरह हम लोग डिलीट करते हैं सब चीज़ को इस क्लीनिंग के समय, ये ऐसे डिलीट, ठीक, उसी तरह डिलीट। ये कलर अलग रहता खोलते समय, फिर से कर देते हैं, सेव तो रहता ही है, कलर अलग करने से सिलेक्शन दिखेगा हमारा, ठीक है। वो डिलीट किए होंगे, वो हटा ही होगा, वो कब मिलेगा नहीं।
इसमें प्रोसेस ज़्यादा है, इसको सीएसबी में मतलब डीएक्सएफ फाइल में ऑटोकैड में खोल के कर लेने से और जल्दी है। हमको वो सिस्टम मेरा ठीक नहीं था, इसके वजह से हम ऐसे ही ऑटोकैड में दिखा सकते हैं। हाँ दिखा सकते हैं आराम से। आप ये मोटा मोटी ये कुछ तो कम हुआ ना, आपको हम उसमें दिखा दे, ये इसमें यही करना है, ये कर लीजिए, जितना छाटना है आप छाट लीजिए, फिर यहाँ से एक्सपोर्ट कर लीजिए। हाँ उसके बाद ये काट दीजिए, काट दीजिए, ये डाटा को यहाँ गए, अब फिर से इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट में देगा ASCII टेक्स्ट आपको, फिर उसको कुछ रखना है, मान लीजिए अब इसको BBB कर दीजिए, ठीक है, सेव कर देते हैं, ऐसे करके आएगा ये ग्लोबल, इसको ग्लोबल कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो तो उसको चेंज कर, ओके। ये फिर हम वहाँ चले जाएंगे, देखिए हमारा टेक्स्ट आ गया, इसमें उस समय कितना था पॉइंट हमारा 1200 कुछ था, अभी देखिए कुछ कम हो गया, ये डिलीट किए उसके वजह से, इसको फिर से सीएसपी में